सभी श्रोताओं को नमस्कार। महाराणा प्रताप इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर विभिन्न लेखकों ने, कवियों ने, उस समय के कवियों ने जो प्रताप के समकालीन थे, पृथ्वीराज राठौड़ से लेकर के दुर्सा हाड़ा तक, उन कवियों ने प्रताप के ऊपर लिखा, प्रताप के व्यक्तित्व के ऊपर लिखा, अन्य बहुत सारे कवियों ने लिखा। तो प्रताप पर लिखने से पहले व्यक्ति एक बार यह जरूर सोचता है कि मैं अपनी मातृभूमि से उस प्रकार लगाव रखता हूँ जिस प्रकार प्रताप रखते थे, या फिर प्रताप की प्रेरणा जो प्रताप के ऊपर लिखता है, या फिर प्रताप को जो पढ़ रहा है, या फिर प्रताप के बारे में जो सुन रहा है, उसके बारे में स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, ऐसी भावनाएं जरूर प्रस्फुटित होती है जब प्रताप का नाम हमारे जीवन में आता है, हम प्रताप के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रताप के ऊपर कविता है, छंदोबद्ध, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। कि शीश झुका भग शीशन में पत साह के पांव पखालत है। सभी लोग अकबर के दरबार में हाजिरी लगाने गए लेकिन महाराणा प्रताप नहीं गए। शीस झुका बग शीसन में पत साह के पांव पखालत है। गाथ सुना नह गैलन की उन नाम सुने क्रोध यावत है। आ अनमी इकलो अतुलो छबी आज लगा उर छावत है। आ अनमी इकलो अतुलो छबी आज लगा उर छावत है। राण प्रताप कथा सुन के झट नैन लहू झर जावत है। ओ राण प्रताप कथा सुनी के झट नैन लहू झर जावत है। कौन कौन से दुख पाए प्रताप ने। बीहड़ में दर बीरन का घर डूंगर डूंगर घालत है। बीहड़ में दर बीरन का घर डूंगर डूंगर घालत है। मायड़ मान सदा सिर मांडन पाथर से जपोढ़ावत है। खास मिठासन खावन को अमरो सुत भूख भुलावत है। ए राण प्रताप कथा सुन के झट नैन लहू झर जावत है। राज तजे जन काज हलो सुख साधन बात न सालत है। लाख दुखा मज में लड़ियो भिड़ियो हल्दी युद्ध भावत है। भील बहादर जाय भिड़ाद हाकम फौज हलावत है। भील बहादर जाय बिलाद हाकम फौज हलावत है। राण प्रताप कथा सुनी के झट नैन लहू झर जावत है। हे राण प्रताप कथा सुनी के झट नैन लहू झर जावत है। रहीम का प्रसंग, रहीम की बेग में चित्तौड़ आती है भ्रमण के लिए। अमर सिंह उन्हें उठा करके प्रताप के डेरे पर लाते हैं। प्रताप अमर सिंह को फटकारते हैं कि हमारी दुश्मनी अकबर से है, ना कि उनकी औरतों से। हमारा धर्म है कि हम महिलाओं की रक्षा करें, सुरक्षा करें, इसलिए इनको सम्मान अपने डेरे में वापस पहुंचा करके आओ। ये एक पिता महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह को हिदायत के साथ कहते हैं, पत्र के साथ माफीनामा लिख करके भेजते हैं कि रहीम तुम्हारी पत्नियों से हमारा कोई भी दुराग्रह नहीं है। ये जो युद्ध के भीतर भी दुश्मन के प्रति नैतिकता कायम करना, ये राजपूत हिस्ट्री का सबसे उजला पक्ष है। नेगेटिविटी की कई सारी चीजें हैं लेकिन युद्ध में भी इथिकनेस, सोसाइटी का इथिकनेस जिन्होंने अपने युद्धों में भी रखा, ऐसा दुनिया में कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। जब हम यूरोप की हिस्ट्री सारा ही कुछ उठा करके देखते हैं तो युद्धों में नैतिकता कहीं भी नजर नहीं आती, केवल यही नजर आती है। तब एक बंद है कि बेगम संग लिया इत बैठो ये खान प्रवास मनावत है। बेगम संग लिया इत बैठो ये खान प्रवास मनावत है। आधम को अमरो उतरी सज बेगम कुहर लावत है। पाथल कानज बात पुगी पट पाथल नार पुगावत है। राण प्रताप कथा सुन के झट नैन लहू झर जावत है। ए राण प्रताप कथा सुन के झट नैन लहू झर जावत है। जीण कसी जद चेतक पे गगना पर पोड़ज गाजत है। जीण कसी जद चेतक पे गगना पर पोड़ज गाजत है। खाग चली चपला वरणी अरिया दल ने यरडावत है। पूंजल मोनर हाकम पुगत कुरम जी कुरलावत है। कुरम अच्छा वा मानसी। पूंजल मानर हाकम पुगत कुरम जी कुरलावत है। राण प्रताप कथा सुन के झट नैन लहू झर जावत है।
हाँ दुनिया मजवीर अतापन होड़न राण री होवत है। दुनिया में बहुत सारे योद्धा हुए होंगे, वीर होंगे, लेकिन प्रताप की होड़ कोई नहीं कर सकता। हाँ दुनिया मजवीर अतापन होड़न रावण राण री होवत है, कूरम रासत छूट गया पण राण नि हाथ न मारत है। गाव दियो बहलोलन पे गब चिंबड़ ज्यो चिर जावत है, गाव दियो बहलोलन पे गब चिंबड़ ज्यो चिर जावत है, राण प्रताप कथा सुनी के झट नैण लहु झर जावत है। लीक चली निज वारन के सिर पाग अडी सुहावत है। चित्तौड़ का गौरव, चित्तौड़ पूरे हिंदुस्तान का गौरव है। लीक चली निज वारन के सिर पाग अडी सुहावत है, झाड़ मिली पद्मो करमो बड बादल शीस बहावत है, झाल मिली पद्मो करमो बड बादल शीस बहावत है, चातक जो चित्रकूट खड़ो नित साधक माथ नमावत है, राण प्रताप कथा सुनी के झट नैण लहु झर जावत है। अब क्या हालात है, मान मठो ठन गैल गया सब बात यहाँ बिसरावत है, मान मठो ठन ये सारी चीजें पीछे छूट गई, मान मठो ठन गैल गया सब बात यहाँ बिसरावत है, टूट गया परमारथ त्यागरु स्वार्थ स्वांग रचावत है, कूड़ अठे धनी आप करी दल राकस राज दलावत है। लोग चले गए, कूड़ अठे धनी आप करी दल राकस राज दलावत है, राण प्रताप कथा सुन के झट नैण लहु झर जावत है। जी ये राण प्रताप कथा सुन के झट नैण लहु झर जावत है। स्वर्व रचयिता तेजस मुंगेरिया।